मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत साक्षी न्यूज सेटअप पर आप सभी का स्वागत है। हर मैदान फतह करने वाले, हर दिल अजीज, जन गण मन के नेता नरेंद्र मोदी का आज 70वां जन्मदिन है। लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। और आप देखिए कि अपने विकास कार्यों से नरेंद्र मोदी ने देश में एक नई क्रांति ला दी है। देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक संकल्प ले लिया है। और हमें पता है कि नरेंद्र मोदी अपने हर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मेक इन इंडिया, ऐसे अनेक उन्होंने मंत्र दिए। और इन मंत्रों पर जिस तरीके से भारत सरकार चल रही है, भारत का हर नागरिक चल रहा है, देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे रहा है, उससे निश्चित ही भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की अनेकों उपलब्धियां हैं। उनकी जो जीवन यात्रा है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे उनकी सामाजिक हो, या वो जब आरएसएस से जुड़े रहे, उनका आप जो भी यात्रा देखेंगे, उसमें सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत कुछ है। आलोचनाएं भले होती हों नरेंद्र मोदी की, लेकिन देश के दिलों पर वो राज करते हैं। आप देखिए कि विश्व में भी अनेकों ऐसे नेता हैं जो कि नरेंद्र मोदी से आगे बढ़ने के गुर सीखते हैं। समस्याओं में जब फंसते हैं तो नरेंद्र मोदी से हेल्प पूछते हैं। और आप देखिए कि एक जो अभी कोरोना काल की अगर हम बात कर लें, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पूरे विश्व की सहायता की है, हर संभव सहायता की है, उससे भी पूरी दुनिया में भारत की एक छवि बड़ी बनकर उभरी है, खिलकर उभरी है और निखर कर उभरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि की चिंता नहीं करते। उनके लिए देश ही सब कुछ है, राष्ट्र सेवा ही सब कुछ है, और इसी संकल्प को लेकर वो आगे बढ़ते रहते हैं। उनके पहले कार्यकाल की उपलब्धियां आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे, उनके जीवन की रोचक यात्रा आपको बताएंगे, कैसे एक चाय वाले का बेटा जो कि ट्रेन आने पर चाय ले लो करके चाय बेचता था, आज भारत का प्रधानमंत्री है। ये सफर आसान नहीं रहा है, बहुत दुश्वारियां झेली है नरेंद्र मोदी ने। जो उनका पहला कार्यकाल था उसकी उपलब्धियां आपको बताएंगे, समस्याएं उनके सामने, चुनौतियां क्या क्या आई वो भी बताएंगे। दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में अगर ये कोरोना अब तक नहीं आया होता, तो वो और भी काफी कुछ कर चुके होते और काफी कुछ उन्होंने कर भी दिया है। आप देखिए कि बरसों पुरानी जो समस्याएं थी, चाहे 370 का मामला हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे 3 तलाक हो, सब सुलझा दिए हैं। और जिस तेजी के साथ भारत ने कदम आगे बढ़ाए हैं, उससे निश्चित ही भारत तेजी से विकास के रास्ते तो तय करेगा ही, और भी जो जो क्षेत्र हैं वहां पर भारत आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की और एक रोचक सफर पर आपको लिए चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक से लेकर केंद्र की राजनीति में आने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी हर मैदान फतह करते हुए लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाने में सफल रहे। और इसी के साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद पूर्ण बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाले वह तीसरे प्रधानमंत्री बन गए। जनमन के नायक नरेंद्र मोदी के मन में हर समय पिछड़ों और गरीबों के हित की सर्वाधिक चिंता रहती है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान पर दिन रात अथक परिश्रम कर रहे मोदी का सपना जल्द ही देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पूरी शिद्दत के साथ भारत का नेतृत्व करना हो, पाकिस्तान के होश ठिकाने लगाने हो, या फिर उसके आका चीन की दादागिरी समाप्त करना हो, मोदी लगातार नए भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि जनता का मोदी सरकार में पूरा विश्वास है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवाद और विकास के नारे के साथ अपने करिश्माई व्यक्तित्व से भगवा परचम लहराने वाले मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में भाजपा को कई राज्यों में 50% से अधिक वोट और 303 सीटें मिली, जबकि 2014 के आम चुनाव में भाजपा ने 282 सीटों पर जीत हासिल की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक से लेकर केंद्र की राजनीति में आने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जनता का दिल जीतना जानते हैं और बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। और साथ ही चुनाव की महाभारत में अभिमन्यु के साथ साथ अर्जुन की भूमिका को भी निभाते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, लोकल के लिए वोकल, यह सब मूल मंत्रों के साथ मोदी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक से लेकर दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने तक मोदी का सफर लंबा और उतार चढ़ाव भरा रहा। 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी गुजरात में 12 साल तक मुख्यमंत्री रहे। साथ ही उन्होंने पार्टी में तमाम तरह की जिम्मेदारियां निभाई।
उनकी छवि एक विकास पुरुष और भाजपा के ऐसे कर्णधार की रही जिनकी वजह से भाजपा अपने दम पर 303 सीटें जीत पाई। लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद पूर्ण बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के रूप में पिछले कार्यकाल के दौरान मोदी की महत्वपूर्ण पहलें जनधन योजना, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत, सभी को आवास, किसान सम्मान योजना, शौचालय और स्वच्छता अभियान आदि हैं। नोटबंदी और GST भी उनके पहले कार्यकाल की महत्वपूर्ण सुधार पहले हैं। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा आतंकी हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक को मोदी सरकार के मजबूत फैसले के रूप में देखा गया। लोकसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय सुरक्षा सहित एयर स्ट्राइक के मुद्दे को भाजपा ने सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा और नतीजा सामने है। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में जन्मे मोदी के पिता का नाम दामोदर दास और माँ का नाम हीराबेन है। बचपन में मोदी वडनगर स्टेशन पर अपने पिता और भाई किशोर के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। स्कूल के दिनों में मोदी एक्टिंग, वाद विवाद, नाटकों में भाग लेते और पुरस्कार जीतते थे। वह NCC में भी शामिल हुए। अभिनय का शौक 1975 में आपातकाल के दिनों में भी काम आया जब मोदी सरदार का रूप धरकर कई महीने पुलिस को छकाते रहे। बचपन से ही संघ की तरफ झुकाव रखने वाले मोदी ने 1967 में 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। अहमदाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता लेने वाले मोदी बरसों बरस संघ के प्रचारक रहे। 1974 में वह नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हुए। पढ़ाई जारी रही और मोदी ने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में MA किया। कभी नरेंद्र मोदी ने संघ में कुर्ते की बाह इसलिए छोटी करवाई थी कि कपड़ा ज़्यादा खराब ना हो। आज वह छोटी बाह वाला कुर्ता देश भर में मशहूर होकर मोदी ब्रांड का कुर्ता बन गया है। हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषा पर गहरी पकड़ रखने वाले मोदी का भाजपा से परिचय संघ के जरिए हुआ। 1980 के दशक में वह गुजरात की भाजपा इकाई में शामिल हुए। 1988-89 में उन्हें भाजपा की गुजरात इकाई का महासचिव बनाया गया। लालकृष्ण आडवाणी की 1990 की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में अहम भूमिका अदा करने के बाद 1995 में मोदी को भाजपा का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया गया। समय के पाबंद मोदी को 1998 में महासचिव संगठन की जिम्मेदारी मिली और इस पद पर वह अक्टूबर 2001 तक रहे। 2001 में केशुभाई पटेल को हटाकर मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया और इस पद पर वह लगातार 2014 तक रहे। सितंबर 2014 में मोदी को पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा 282 सीटें जीतने में सफल रही और केंद्र में राजग की सरकार बनी। 2019 में मोदी मोदी के नारों के बीच यह संख्या बढ़कर 303 हो गई और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी देश के उन नेताओं में से हैं और खासतौर पर पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि आज़ादी के बाद पैदा हुए। श्री मोदी ने पहले 2014 से 2019 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और 30 मई 2019 को अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। इससे पहले उन्होंने अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। 2014 और 2019 के संसदीय चुनाव में मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों अवसरों पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। आखिरी बार 1984 के चुनाव में किसी राजनीतिक दल ने संसदीय चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल किया था। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आदर्श वाक्य से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री मोदी ने शासन व्यवस्था में एक ऐसे बदलाव की शुरुआत की और समावेशी, विकासोन्मुख और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने अंत्योदय के उद्देश्य को साकार करने और समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं और पहल का लाभ मिले यह सुनिश्चित करने के लिए स्पीड और स्केल पर काम किया है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इस बात को माना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत रिकॉर्ड गति से गरीबी को खत्म कर रहा है। इसका श्रेय केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए लिए गए विभिन्न फैसलों को जाता है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आयुष्मान भारत का नेतृत्व कर रहा है। 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को कवर करते हुए आयुष्मान भारत गरीब और नव मध्यम वर्ग को उच्च गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित कर रहा है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित स्वास्थ्य पत्रिकाओं में से एक लॉन्सेट ने आयुष्मान भारत की सराहना करते हुए कहा है कि यह योजना भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े असंतोष को दूर कर रही है। पत्रिका ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की भी सराहना की। देश की वित्तीय धारा से दूर गरीबों को वित्तीय धारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय का बैंक खाते खोलना था। अब तक 35 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों ने न केवल गरीबों को बैंकों से जोड़ा बल्कि सशक्तिकरण के अन्य रास्ते भी खोले हैं।
जनधन से एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को बीमा और पेंशन कवर देकर जन सुरक्षा पर जोर दिया। जनधन, आधार और मोबाइल ने बिचौलियों को समाप्त कर दिया है और प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शिता और गति सुनिश्चित की है। असंगठित क्षेत्र से जुड़े 42 करोड़ से अधिक लोगों के पास अब प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत पेंशन कवरेज मिली है। 2019 के चुनाव परिणामों के बाद पहली कैबिनेट बैठक के दौरान व्यापारियों के लिए समान पेंशन योजना की घोषणा की गई। 2016 में गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। यह योजना 7 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को धुआं मुक्त रसोई प्रदान करने में एक बड़ा कदम साबित हुई है। इसकी अधिकांश लाभार्थी महिलाएं हैं। आज़ादी के बाद से 70 वर्षों के बाद भी 18,000 गांव जहां बिजली नहीं थी वहां बिजली पहुंच गई है। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि कोई भी भारतीय बेघर नहीं होना चाहिए और इस विजन को साकार करने के लिए 2014 से 2019 के बीच लगभग 1.25 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। 2022 तक प्रधानमंत्री के हाउसिंग फॉर ऑल के सपने को पूरा करने के लिए घर के निर्माण की गति में भी तेजी आई है। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो नरेंद्र मोदी के बहुत करीब है। 2019 के अंतरिम बजट के दौरान सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में एक मौद्रिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। 24 फरवरी 2019 को योजना के शुरू होने के बाद लगभग 3 सप्ताह में नियमित रूप से किस्तों का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक के दौरान इस योजना में 5 एकड़ की सीमा को हटाते हुए सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ देने का फैसला किया गया। इसके साथ ही भारत सरकार प्रतिवर्ष लगभग 87,000 करोड़ रुपए किसान कल्याण के लिए समर्पित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सॉयल हेल्थ कार्ड, बेहतर बाजारों के लिए ई नाम और सिंचाई पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने जैसी किसान कल्याण की दिशा में विभिन्न पहलें शुरू की। 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री ने जल संसाधनों से संबंधित सभी पहलुओं की देखरेख करने के लिए एक नया जल शक्ति मंत्रालय बनाकर एक वादा पूरा किया। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया। इस जन आंदोलन को बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक प्रभाव पड़ा है। 2014 में स्वच्छता कवरेज 38% थी जो आज बढ़कर 99% हो गई है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। स्वच्छ गंगा के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वच्छ भारत मिशन की सराहना की और कहा कि इससे 3 लाख लोगों की जान बची है। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि परिवहन परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए भारत सरकार हाईवे, रेलवे, आईवे और वाटरवे के रूप में अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए काम कर रही है। उड़ान योजना ने उड्डयन क्षेत्र को लोगों के अधिक अनुकूल बनाया है और कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण पावर हाउस में बदलने के लिए मेक इन इंडिया पहल शुरू की। इस प्रयास से परिवर्तनकारी परिणाम सामने आए हैं। उदाहरण के लिए 2014 में मोबाइल विनिर्माण इकाइयों की संख्या 2 थी जो 2019 में बढ़कर 122 हो गई है। भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में महत्वपूर्ण प्रगति की। 2014 में भारत की रैंकिंग 142 थी जो 2019 में 77 हो गई। 2017 में संसद के एक ऐतिहासिक सत्र के दौरान भारत सरकार ने GST लागू किया जिसने वन नेशन वन टैक्स के सपने को साकार किया। उनके कार्यकाल में भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया जो सरदार पटेल को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। इस स्टैच्यू को एक विशेष जन आंदोलन के माध्यम से बनाया गया जिसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों के औजार और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। प्रधानमंत्री को पर्यावरण से जुड़े मुद्दों से गहरा लगाव है। उन्होंने हमेशा से माना है कि हमें एक साफ और हरा ग्रह बनाने के लिए काम करना चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने जलवायु परिवर्तन के अभिनव समाधान तैयार करने के लिए अलग जलवायु परिवर्तन विभाग बनाया। इस भावना को पेरिस में 2015 के COP21 शिखर सम्मेलन में भी देखा गया था जहां प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जलवायु परिवर्तन से एक कदम आगे बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु न्याय के बारे में बात की है। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए थे। यह गठबंधन एक बेहतर ग्रह के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का एक अभिनव प्रयास है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनके प्रयासों को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र के चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।
जलवायु परिवर्तन ने हमारे ग्रह को प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त कर दिया है। इस तथ्य के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील होते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी की शक्ति और मानव संसाधनों की ताकत के उचित इस्तेमाल के रूप में आपदा के लिए एक नया विजन साझा किया है। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 26 जनवरी 2001 को विनाशकारी भूकंप से तबाह हुए गुजरात को बदल दिया। इसी तरह उन्होंने गुजरात में बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए नई प्रणालियों की शुरुआत की, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हुई। प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों के लिए न्याय को हमेशा प्राथमिकता दी है। गुजरात में लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए उन्होंने शाम की अदालतों की शुरुआत की। केंद्र में उन्होंने प्रगति शुरू किया, जो विकास में देरी कर रहे लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए एक कदम है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की पहल ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की वास्तविक क्षमता और भूमिका को महसूस किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क देशों के सभी प्रमुखों की उपस्थिति में अपना पहला कार्यकाल शुरू किया और दूसरे की शुरुआत में बिम्स्टेक नेताओं को आमंत्रित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके संबोधन की दुनिया भर में सराहना हुई। प्रधानमंत्री मोदी 17 साल की लंबी अवधि के बाद नेपाल, 28 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया, 31 साल के बाद फिजी और 34 साल के बाद सेशेल्स और यूएई के द्विपक्षीय दौरे पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। पदभार संभालने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन, ब्रिक्स, सार्क और G20 समिट में भाग लिया, जहां विभिन्न वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर भारत के विचारों को व्यापक रूप से सराहा गया। प्रधानमंत्री को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज शेख से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी को रूस के शीर्ष सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, द एपोस्टले सम्मान, फिलिस्तीन के ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन सम्मान, अफगानिस्तान के अमीर अमानुल्ला खान अवार्ड, यूएई के जायद मेडल और मालदीव के निशान इज्जुद्दीन सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी को शांति और विकास में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह को संयुक्त राष्ट्र में अच्छी प्रतिक्रिया मिली। पहले दुनिया भर में कुल 177 राष्ट्रों ने एक साथ मिलकर 21 जून को संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से शहर में हुआ था। वे अति पिछड़ा वर्ग परिवार से आते हैं, जो समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों में से है। वह बेहद गरीब लेकिन प्यार देने वाले परिवार में पले बढ़े। जीवन की शुरुआती कठिनाइयों ने न केवल कड़ी मेहनत के मूल्य को सिखाया, बल्कि उन्हें आम लोगों के कष्टों से भी अवगत कराया। आम जन की गरीबी ने उन्हें बहुत कम उम्र में ही लोगों और राष्ट्र की सेवा में डूबने के लिए प्रेरित किया। अपने प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ काम किया, जो राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित एक राष्ट्रवादी संगठन है, और बाद में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करने के लिए खुद को राजनीति में समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमए पूरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के नेता हैं और वे आम जन की समस्याओं को हल करने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए समर्पित हैं। लोगों के बीच रहने, उनके साथ खुशियां साझा करने और उनके दुखों को दूर करने से ज़्यादा कुछ भी उनके लिए संतोषजनक नहीं है। जमीनी स्तर पर तो उनका लोगों के साथ एक मजबूत व्यक्तिगत जुड़ाव तो है ही, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी उनकी मजबूत उपस्थिति है। उन्हें भारत के सबसे ज़्यादा टेक्नो सेवी नेता के रूप में जाना जाता है। वो लोगों तक पहुंचने और उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। वह फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, साउंड क्लाउड, लिंक्डइन, वीबो और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सक्रिय हैं। राजनीति से परे नरेंद्र मोदी को लिखना पसंद है। उन्होंने कई कविता और कई किताबें लिखी हैं। वह अपने दिन की शुरुआत योग से करते हैं। योग शरीर और दिमाग को मजबूत बनाता है और तेज गति से चलने वाली दिनचर्या में शांति का भाव पैदा करता है। प्रभा साक्षी परिवार की ओर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे उनका जो नेतृत्व है वो युगों युगों तक देश को प्राप्त होता रहे। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे प्रभा साक्षी के साथ।